फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए आर्स कुकबुक में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी आ रही है, बप्पा के आगमन की तैयारी चल रही है। बप्पा को मुगोदक पसंद है और हमारे घर के बाल गणेशा को चॉकलेट पसंद है, तो बनाते हैं सिर्फ चार चीज़ों से चॉकलेट फ्लेवर मोदक। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। मैंने पैन को गैस पे रख दिया है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं एक छोटा बाउल मिल्कमेड डाल रही हूँ। मिल्कमेड हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं इसी में एक बाउल मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। जिस बाउल से मैंने मिल्कमेड मेज़र किया था, उसी बाउल से मैंने मिल्क पाउडर को भी मेज़र किया है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालती हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ कर लेते हैं। लम्स को अवॉइड करने के लिए इसको गैस ऑफ करके अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसे। मैंने फिर से गैस ऑन किया है। अब इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड ना हो जाए। मैं अब इसमें 1 टीस्पून प्योर घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल स्लो गैस पे इसे पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। लगभग 2 मिनट पकाने के बाद देखिए ये मिक्सचर हार्ड भी हो गया है और इस घी डालने की वजह से इसने पैन के साइड्स भी छोड़ने लगा है। गैस शुरू से लेके अंत तक सिम ही रहेगा। स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। देखिए मिक्सचर एकदम थिक भी हो गया है और ये पैन के साइड्स बिल्कुल छोड़ रहा है। आधे मिनट तक इसे और पकाएंगे। अब गैस ऑफ कर लेते हैं। मोदक के मिक्सचर को अब हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर अब ठंडा हो गया है। आप चाहें तो इस मिक्सचर से ऐसे ही मोदक बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और टच दे रही हूँ। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 1-2 टेबलस्पून। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून कंडेंस मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब चॉकलेट के मिक्सचर में से इस तरह एक छोटा पार्ट निकाल के उसे मोदक के मोल्ड में डाल के छेप दे देंगे अच्छे से। आप चाहें तो बिना मोल्ड के भी मोदक बना सकते हैं। मोल्ड को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल से, जिससे मोदक अच्छे से बाहर आ जाए। देखिए दोनों साइड से ऐसे मिक्सचर इसमें भरना है। अपनी फिंगर्स से अच्छे से दबाते हुए अब इसमें मैं कोकोनट का मिक्सचर डाल रही हूँ दोनों साइड से थोड़ा सा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मोदक ऐसे भी अच्छे ही बनेंगे और बहुत टेस्टी होते हैं। प्रसाद तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैंने ग्रेन भी डाला है। आप टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी मिक्सचर आप अपने हिसाब से स्टफिंग डाल सकते हैं। मैंने एक मोदक बोल में से निकाल लिया है। इसी तरह सारे मोदक तैयार कर लेंगे। पप्पा के लिए प्रसाद का भोग अपने हाथों से तैयार कीजिए और बहुत प्यार और श्रद्धा भावना से पप्पा को अर्पण कीजिए। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।